हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ प्रशांत कुमार जी हैं जो कि बिहार से सिवान जिले से हैं और इनका डिस्क में L5-S1 में डिस्क बल्जिंग की वजह से काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा था और लोअर बैक में पेन होने के साथ साथ दोनों लेग्स में पेन जा रही थी। तो इनका हमने कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट शुरू किया है और एक बार हम बात करेंगे इनसे कि इनको अभी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के बाद कैसा लग रहा है और इनको जो है वो कितने टाइम से पेन था। तो कुमार जी एक बार बताइएगा, आपको ये कब से दिक्कत हो रही थी? आपको ये तीन चार महीना से हो रहा है। इसके चलते हम कोई काम कर नहीं पा रहे थे। थोड़ा भी अगर 25 कदम चले, रिटर्न आए घर पे, तो लगता था, चलने में लगता था कि ये पैर हम इधर उधर जा रहा है। अच्छा। और घर पे आने का दर्द पूरा हो जाता था। अच्छा। अब जिसके कारण से हम 3-4 महीना से अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे और काफी परेशानी हो रही थी हमको। तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था पहले आपका, दवाई वेदांता में लिखाए थे, लखनऊ वेदांता। हाँ, वो फर्स्ट टाइम तो दवा लिखे, जब मेरा MRI हुआ तो उसमें डिस्क हुआ तो वो लोग बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम अक्सर ये फेसबुक पर देखते थे इसका वीडियो, वो देखते थे कि काफी लोग सेटिस्फाइड है, तो हमको लगा कि नहीं, हमको भी कराना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो नेट पर आपका सर्च किया था, आपका नाम निकला था, आपका ये एड्रेस निकला था, तो यहाँ मेरी भतीजी रहती है, तो वहाँ पर हम आए और उससे बोले कि हमको वहाँ जाना है, तो वही लेके आए थे हमको यहाँ पे। तो अभी कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस ये कि 5-day कोर्स करने के बाद हम 2 किलोमीटर चले। जो पहले इतना नहीं चल पा रहे हम तो 15 कदम 20 कदम नहीं 25 कदम चल रहे थे। अच्छा। हम 2 किलोमीटर चले। हाँ। तो और बहुत आराम हुआ हमको। अभी इसमें जो हम ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, इसमें अभी आपको और भी फायदा होगा आगे आगे, जैसे जैसे हम आपको प्रिकॉशन बताएंगे, जो एक्सरसाइज बताएंगे, थोड़ा वो करेंगे, तो इसमें और भी आपको इम्प्रूवमेंट होगा। और थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन लेते रहेंगे, आगे झुकना, वेट उठाने वाला, अगर वो काम बंद करेंगे, तो इसमें हो सकता है कि आपको ये दिक्कत दोबारा ना आए। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों को बैक में डिस्क का प्रॉब्लम है? हम तो इन लोगों से यही कहेंगे कि एक बार आए और कैरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है उसको कराएं, इसमें बहुत फायदा है। और ये नहीं है कि दवा खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है, एक दवा है कि वो नस खोलने के लिए वो देना मिलता है, यहाँ से खरीदना पड़ता है हम लोग को, वही एक खाना है कि नस खुले। और सर का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सेटिस्फेक्टेबल है और हम बहुत इससे रिलीफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं और आज हम लग रहा है कि हम फिर अपने पुराने वाले रूटीन में आ जाएंगे। थोड़ा ढीला छोड़ी, नीचे रखिए और ढीला छोड़, एकदम ढीला छोड़ दिए। हाँ, कंधा को ढीला छोड़िए, एकदम सांस लेके, सांस छोड़िए, सांस लेके, सांस छोड़िए, लंबा सांस लेके, सांस छोड़िए, सांस लेके, हाँ सांस खींच के, सांस छोड़िए, सीधा हो इंजरी। सो इफ यू हैव एनी सिमिलर प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डिस्क इशू, इफ यू हैव एनी स्पाइनल इशू, यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, विल गेट बैक टू यू। एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बैक। इफ यू हैव एनी इंजरी, डोंट एग्रीवेट इट विद डूइंग एनी रॉन्ग एक्सरसाइजेज और पिकिंग अप एनी वेट एंड हैवी स्टफ। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन आवर वर्क एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबर चैनल। थैंक यू मिस्टर कुमार, थैंक यू वेरी मच।